वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी। अभी टाइम हो रहा है 2:15 और मैं आपसे मिली हूँ 2:15 बजे। घर का सारा काम खत्म, आप देख रहे हैं पीछे साफ सफाई हो चुकी है, जाली वाला गेट बंद किया हुआ क्योंकि मैं और आरव अभी बैठे हैं अंदर वाले रूम में और हम आरव को करवा रहे हैं मैथ्स की तैयारी। रात को 3 बजे मतलब हम लोग 3:30 बजे हम लोग सोए हैं। बहुत हैक्टिक शेड्यूल था कल का और मैं ये देख रही हूँ कि कल हम जैसे हॉस्पिटल होकर आए और हमने हालत देखी जिया जी की, मतलब टेंशन्स इतनी ख़राब चीज़ है, इतनी ख़राब कि नॉर्मल इंसान को भी बिल्कुल मरीज़ बना देती है। तो वो जो बड़े कहावत कहते थे कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का डिफरेंस होता है, बिल्कुल सही है यार। बिल्कुल भी टेंशन है मत लो अपनी लाइफ में, क्योंकि अच्छा खासा हंसता खेलता इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो किसी की परवाह मत करो, अपना घर रहो, काम करो, मेहनत करो, खाओ पियो, आनंद लो। लोग क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं कहते, कोई बुलाता है ना बुलाए, बुलाए तो अच्छा, ना बुलाए तो अच्छा, मस्त एकदम चिल आउट। तो ये जो मैं लेक्चर बाजी देती रहती हूँ ना आप लोगों को, इसलिए क्योंकि आप ऑब्जर्व करते हो, कई बार आप मानते भी हो, एक्सेप्ट भी करते हो, तो इसीलिए लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आते हैं सबकी लाइफ में, हमारी लाइफ में भी ये स्ट्रगल्स चलते ही रहते हैं। तो कभी भी लेट डाउन नहीं होना किसी के कुछ भी कहने पर, अपना आनंद लेना है, मस्त रहना है। और आज मेरा ब्लॉग इसलिए इतना लेट हुआ क्योंकि मेरे मदर इन लॉ सुबह आ गई थी, पापा प्रसाद लेकर आए थे हजूर साहब से, तो वो देने आई थी और वो व्लॉग में आती नहीं है, उनको थोड़ा हेजिटेशन सा होता है और मैं ज़बरदस्ती करती नहीं। बस मम्मी नाश्ता वगैरह करके गए, चाय वाय पी ली थी हमने इकट्ठे ही, नाश्ता भी कर लिया था, वो गई हैं, फिर आरव छोड़ कर आया, तब मैंने काम कर लिया, अब मैं बैठी हूँ। तो अब मेरी ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई है 2:15 बजे। गाइस मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अंदर वाले कमरे में बहुत डिम लाइट में बैठ के हम दोनों माँ बेटे खाना खा रहे हैं। बच्चे आ चुके हैं और उनको काम दिया गया, टेस्ट शुरू हो रहे हैं। आज सब बच्चों के साथ हम बाहर वाले रूम में ही बैठेंगे क्योंकि अंदर ना थोड़ी गर्मी लगने लग जाती है और बच्चे थोड़े हैं, तो बेड भी फोल्ड नहीं किया। ब्रूनो अपना खाना खा के पिंजरे में घुस चुका है अपनी जगह पे, अरब खाना खा रहे हैं और बस मैं भी राजमा चावल खा के बच्चों को पढ़ाने जा रही हूँ। फिर वही 7:30-8 बज जाएंगे तो उसके बाद आपसे मिलते हैं, और अरब का भी मैथ्स का एग्जाम है। गाइस ट्यूशन के बच्चों की छुट्टी कर दी है, अभी बस एक हमारी एक रह गई है लड़की, ये देखो चंद्र प्रभा से आए। पेपर की तैयारी हो रही है, कल डंडा रखूंगी बेटा तेरे लिए, तो मैं रुक जा। और अभी ये दोनों भाई बहन मतलब आरव भी लगा हुआ है, आरव के 3 चैप्टर के टेस्ट थे जो भी एक हो गया, एक वो कर रहा है, एक रहता है, तो इसके बाद एक चैप्टर और भी है क्या? तो टेस्ट 3 चैप्टर का था, नहीं मतलब यही करने है ना। हाँ, और बस इसके बाद फिर छुट्टी हो जाएगी और मैं बनाऊंगी खाना। आज हम बाहर के कमरे में बैठ गए बट कल से हम अंदर ही बैठेंगे क्योंकि ब्रूनो को जगह नहीं मिलती खेलने के लिए और टाइम मिल नहीं रहा। आवाज़ बैठी हुई है, अब थोड़ा सा बेटर लग रहा है कि बोल पा रही हूँ बच्चों के साथ काम करते करते। तो चलिए अभी बनाते हैं खाना और पहले थोड़ी सी चाय वाय हो जाए, बाहर निकलना तो मेरा बहुत ही नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है। चलिए बनाते हैं अभी चाय फिर करते हैं खाना। गाइस बच्चों के जाने के बाद अब ब्रूनो की हरकतें देखो, आरव छोड़ियो कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो ये देखो इसको ना, मस्तियां सूझ रही हैं। आ रही हूँ मैं कैसे बैठ गया देख, थक हार कर आऊं हूँ हूँ। गाइस आरव का काम खत्म हुआ है अभी 9:15 बजे और आज आरव ने एक शर्त रखी है कि खाना रात का वो बनाएगा। कैन यू बिलीव, बहुत टाइम बाद आज इसने मुझे बोला, वरना कई बार कुकिंग करता था पहले बट अब नहीं मन करता इसका या क्या, तो आज खुद ही इसने बोला कि आप जो भी बना रहे हो खाना आज मैं बनाऊंगा, आटा वटा गूंद लेना। तो अभी देखते हैं ये माशे जी क्या करते हैं किचन में, क्या धमाल मचाते हैं और कैसा बनाते हैं। तो मैं अभी बताऊंगी किसी को नहीं, अपने हस्बैंड को और बेटी को नहीं बताऊंगी कि आरव ने बनाया, अगर अच्छा लगा और तारीफ हुई तो फिर बताऊंगी कि आरव ने बनाया, वरना अपना नाम। गाइस क्या बना रहे आरव भैया? बनाएंगे चिकन। आरव बनाएगा कुकिंग की डिपार्टमेंट आज तेरा, आज तेरा कैसे मन कराया? बहुत टाइम बाद, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। तो अभी ये प्याज और टमाटर, टमाटर है इसे हम डालेंगे मिक्सी में और इसे क्रश कर देंगे अच्छे से, ब्रश क्रश ग्राइंड कर देंगे, क्रश नहीं कर देंगे, वो सैमी कह रहे ब्रश कर देंगे। अभी हम इसको सारा अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे, प्याज टमाटर भी आज आ रहा है पीसेगा, मजे आ गए पासे ऑन तो कर चलो बस। हमारा सैमू पीछे से कमेंटेटर, क्या कमेंट्री लगा हुआ है तू, वो देखो ब्रूनो को देखो इसके साथ मस्तियाँ, बस इसको देख के पागल हो जाता है ये, देखो जरा देखो कैसे चढ़ रहा है उसके ऊपर, बस हो गया।
और बेइज्जती देख, मैंने व्लॉग ही नहीं ऑन किया और तू कैमरे के अंदर घुसता जा रहा था। ये देखिए गाइस, प्याज टमाटर पीस गए हैं अच्छी तरह। अब आरव डालेगा कुकर में सरसों का तेल। गाइस ये डालेंगे तेल, चल बोल भी तू, ठीक है डालो डालो गया। सरसों का तेल इन द कुकर, और डाल जल्दी से, डालो ना गाइस। ये तेल इसने डाल दिया सरसों का तेल, और अब इसमें इसको सड़ने देगा, मैं कह रही हूँ कड़ने देगा, इसको सड़ने देगा, और तब तक आरव चिकन साफ करेगा। चिकन साफ कर, चिकन साफ स्टील की प्लेट। हाँ जी सैमू, क्या हो गया बेटा तेरे को, ये माथे पे इतना बड़ा टीका मंदिर होकर आया तू, बड़ा ही प्यारा लगता है। गाइस चिकन धोने का काम भी आरव ही करेगा, चिकन आरव ही धोएगा। ये देखिए, ये देखिए गाइस, इसको चिकन धोने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बड़े आराम से चिकन साफ किया जा रहा है। चल आरव अब क्या कर रहे हैं बता। अब हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा। डालो, तेल अच्छे से सड़ चुका है, अब फटाफट अब हम डालो। गाइस हम डालेंगे प्याज टमाटर का पेस्ट। ये गया हमारा प्याज टमाटर का पेस्ट। गाइस अब हम डालेंगे दो चम्मच नमक। डालो नमक शमक, एक चम्मच नमक शमक, नमक शमक। आज बड़ा मन कर रहा था तेरा चिकन बनाने का किचन में। ये गई दो चम्मच बड़ी बड़ी लाल मिर्च, तीखी वाली कलर वाली। ये गया एक चम्मच गरम मसाला, अरे वाह। और एक गया ये एक चम्मच हल्दी, थोड़ी कम कर ले, हाँ बस ठीक है। हल्दी जल्दी जल्दी मल्दी मल्दी। चलो अब क्या करोगे आप? मिक्स मिक्स गाइस, अब हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स। बस मेरा ब्लॉग बनते ही ना मैसेजेस तो आने ही आने बीच में। अब दो मिनट तक इसको भूनना है, जब तक मसाला पानी ना छोड़ दे, राइट। गाइस अब आरव की बारी है चिकन डालने की, और वो डाल। गाइस दिस इज माय फेवरेट पीस। चल चल डाल उसमें। नहीं चिकन लेग पीस। हाँ चिकन लेग पीस। और मैं बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी कि मैंने कैसा बनाया। नहीं तो बता जरा। नहीं तो बना तो तू रहा ना। चलो सही बनेगा क्योंकि आपने बताया। हो अब तुझे मैंने एक बार खड़े होके बताया है ना। ये भी डाल दो ना पानी। सब पानी। आरव इसको अच्छे से अपनी करछी से हिलाएगा। मैं वो कई बार हिलाती हूँ, चिकन के पीस कुकर से बाहर गिर जाते हैं। मेरे को भी लग रहा है मुझसे गिर जाएंगे। कुकर अच्छे से पकड़ ली भाई, डिस्को डांस होता नहीं तो। वेरी गुड। क्या कर रहे हो तू? इसमें पानी लूंगा ताकि जितना भी मसाला है वो सारा चला जाए। हाँ थोड़ा सा ही लियो, बस बस बस। अब इसको हिला के इसमें डाल देगा। यस बस, अब कुकर बंद करना है, वो मैं कर दूँ, वो भी तू करेगा। रुक जा ऐसे, बंद होगा नहीं आसानी से। लो हो गया। हाँ। चलो बढ़िया, अब दो या तीन सीटी बजवाएंगे, अब दो तीन सीटी बजेगी और फिर देखेंगे आरव ने जो चिकन बनाया कैसा बना है। गाइस जैसा कि आपने देखा कि आरव ने आज बड़े प्यार से हम सबके लिए चिकन बनाया है, तो मैं आटा गूंदने लगी थी और पता मतलब ध्यान आया कि आटा ड्रम में गला ही नहीं है, और आरव अभी बाहर खेलने जा रहा है तो ब्रूनो पागल हो रहा है कि मुझे भी लेके जाओ, तो पहले मुझे पूरा वो आटे की थैली काट कर आटे को ड्रम में पलटना पड़ेगा। आइए, ये जियो मार्ट से मंगवाया था थैली, अब ये पड़ी है, इसको हम काटेंगे रखेंगे खोलेंगे यहाँ रख के, और अब खोलेंगे। गाइस ये देखिए आटे की थैली काट ली है, और अभी आटा मैं पलटूंगी ड्रम में जो कि नीचे पड़ा हुआ है, तो पहले ड्रम को निकालते हैं और फिर उसमें आटा पलटते हैं। गाइस ड्रम में आटा भर दिया गया है, और अब थोड़ा सा आटा गूंदा जाएगा। गाइस मैंने परात में आटा निकाल लिया गूंदने के लिए, और आप जानते हैं कि मैं हमेशा थोड़ा सा दूध ऐड ऑन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि दूध डालने से ना आटा थोड़ा सा, रोटियाँ जो बनती हैं वो सॉफ्ट बनती हैं, तो बस इतना सा दूध डाला है, बाकी सब पानी ही डलेगा और आटा गूंदा जाएगा। अब जो चिकन बनाना था उसकी सीटियाँ बच चुकी हैं, अब जब खोलूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, और अब आटा गूंद लूँ क्योंकि कैमरा पकड़ने वाला कोई है नहीं, वो चला गया नीचे खेलने पढ़ने के बाद, तो चलिए मैं आटा गूंद लूँ। देखिए मैंने आटा गूंद लिया है, बट अभी इसको मुक्की नहीं लगाई, मुक्की का मतलब होता है थोड़ी देर बाद, मतलब 15-20 मिनट बाद हम आटे को फिर से मुक्की लगाएंगे, और तब तक मैं इसको ऐसे हाथ लगाकर इसके ऊपर प्लेट रख दूंगी, और फिर 15-20 मिनट बाद हम आटे को मुक्की लगा के हल्का सा ऑयल करके फ्रिज में रख देंगे। ऐसा करने से आटा काला नहीं पड़ता और रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती हैं। चलिए कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है जहाँ तक, हाँ निकल चुका है, तो मैं देखती हूँ कि आर में जो चिकन बनाया वो कैसा बना है। गाइज ये देखिए पूरी मेहनत उसने की थी, इवन कि प्याज टमाटर काट के चॉप भी उसी ने किए थे मिक्सी में, और बाकी सब आपने देखा कि उसने कितने अच्छे से बनाया, और शक्ल देखिए चिकन की। अभी तो मैं घर में किसी को नहीं बताऊंगी कि आज चिकन आरव ने बनाया, तो ये बहुत अच्छे से बना है और बहुत ही ग्रेवी वाला बना है, जैसे कि हम लोग खुश होके खाते हैं, यम्मी चिकन मेड बाय आरव। चलिए गाइस चिकन वगैरह तो आरव ने बना दिया, आपने देख लिया, मैंने आपको दिखा भी दिया और मैंने टेस्ट भी किया है,
बहुत अच्छा बना, अभी खाना किसी ने नहीं खाया। एक्चुअली हमारा वाईफाई तो चल रहा है, फोन्स में भी चल रहा है, बट टीवी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। तो अब मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं, बेटी अपने फ़ोन में चेक कर रही है यूट्यूब पर कि वाईफाई को टीवी से कैसे कनेक्ट करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकलिटी की, दैट्स आई डोंट नो। तो अभी जब ये लोग बोलेंगे तो रोटी बनेगी और खाना हम देंगे सबको। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हमारी आवाज़ जो अब धीरे धीरे आज निकल रही है तो कोशिश करेंगे कि सुबह तक और बोल्डली निकले। और अपनी लाइफ में टेंशन को बिल्कुल मत आने दीजिए, जितना हो सके चीज़ों को इग्नोर कीजिए। किसी की बुराई, या देखो आप बुराई करोगे तो आपको भी बुराई सुनने को मिलेगी, तो बुराई करो ही मत। अपना मस्त रहो, अपना खाओ पियो, काम करो, आनंद लो, दैट्स इट। चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आपसे कल अपने नए ब्लॉग में। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, और कल भी बने रहिए हमारे साथ। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।